बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे MTH 623 का कोर्स, जो कि आपके पास टेंसर एनालिसिस का कोर्स है। टेंसर के स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा इसका इंट्रो पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे अगर आपको तो एंड पे उसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अब हम उसको स्टार्टिंग की तरफ चलते हैं कि टेंसर की इंट्रोडक्शन क्या है, टेंसर का मीनिंग क्या होता है, कहाँ से टेंसर का वर्ड आया, कैसे साइंटिस्ट ने इसको जो है वो इन्वेंट किया। आप इंट्रोडक्शन टू टेंसर में बेसिकली हमारे पास मेन तीन बेसिक कंसेप्ट है कि टेंसर का ओरिजिन क्या है, तो टेंसर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, हमें टेंसर्स की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है और टेंसर्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो टेंसर्स का ओरिजिन क्या है, टेंसर का ओरिजिन आपके पास एक टेंसर वर्ड से निकला है। जो टेंसर वर्ड है ये एक टेंसेस वर्ड से निकला है, और टेंसेस जो कि लेटिन का वर्ड है, ठीक है। इसके वर्ड जो कहती वो कहते हैं द टेंसर हैज़ इट्स रूट टेंसर्स इन लेटिन। लेटिन में इसको टेंसेस कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है खिंचाव पैदा करना किसी चीज़ में या किसी चीज़ में टेंशन प्रोड्यूस करना। तो टेंसर बेसिकली टेंसेस से निकला है, मीनिंग स्ट्रेच है, यहाँ टेंशन है, खिंचाव मतलब आप समझते होंगे टेंशन प्रोड्यूस करना, आपने फिजिक्स में कुछ पढ़ा होगा। देन अब हम साइंटिस्ट ने, जाहिर सी बात है कि टेंसर इसी तरह ऐसे ही तो नहीं आ गया, कुछ साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया होगा तो इसको डेवलप किया होगा। वो हमारे पास सबसे पहले JW Gibbs हैं, इन्होंने 1884 में कंसेप्ट दिया था डायडिक्स का और पॉलिडिक्स का। डाय मतलब टू, मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके दो एलिमेंट होते हैं, और पॉलिडिक्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके दो से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, मैनी एलिमेंट जिसमें होंगे उसे हम पॉलिडिक्स कहेंगे। अब डायडिक्स का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने और पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया, विच आर एक्चुअली टेंसर इन मॉडर्न सेंस बट ओनली डिफरेंट बाय नेम। देखिए इनके नेम्स टेंसर से बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। उन्होंने कहा था कि ये टेंसर में ही आते हैं लेकिन मॉडर्न सेंस में, लेकिन इनका नेम हमारे पास टेंसर से मिलता जुलता नहीं है। अब इसके अलावा हमारे पास कौन से साइंटिस्ट थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास WOGI थे, जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था टेंसर को इन द स्टडी ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब स्ट्रेस आपको पता होगा, स्ट्रेस प्रेशर को कहते हैं, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेन जिसमें हम लेंथ के बारे में पढ़ते हैं। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन क्रिस्टल की उन्होंने को स्टडी किया और उन्होंने कहा कि टेंसर उधर से निकला है। उसके बाद बहुत से फिजिस्ट आए, जैसे कि आइंस्टाइन, मार्शल ग्रॉसमैन ने रिके के कंसेप्ट को यूज़ किया टेंसर के नेम के साथ। अब रिके का कंसेप्ट क्या था, अगर हमारे पास मजीद अगर कुछ इंट्रो हुआ तो हम रिके का कंसेप्ट भी देख लेंगे। उन्होंने कहा था कि इन सारे साइंटिस्ट ने कहा था दोनों ने कि रिके के कंसेप्ट को यूज़ करके टेंसर को जब इंट्रोड्यूस कराया तो उन्होंने टेंसर एक स्ट्रेच और टेंशन के बारे में, एक वर्ड के बारे में बताया, ना कि वो पूरे किसी सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। वो एक कंसेप्ट को यूज़ करके उन्होंने उस पूरे का ओरिजिन दे दिया। अब हमारे पास हमें टेंसर की ज़रूरत क्यों होती है। अब टेंसर से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही बता देती तो बेहतर था, लेकिन चले। टेंसर से पहले आपने फिजिक्स में दो क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आपने किसी चीज़ का मास बताना है, टेम्परेचर बताना है, तो आप किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का मास बताने के लिए हम कहते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर बता रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलर स्केलर की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि स्केलर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद वेक्टर, वेक्टर जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अपने नाइन्थ में, आपने स्टार्टिंग में नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा वेक्टर। वेक्टर क्या होता था, बेसिकली हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी होती थी जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते थे। एक पहली चीज़ कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का, और दूसरा उसकी डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो चीज़ हमें बताती है वो वेक्टर होती है, और उसमें हमारे पास फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में आती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी में आती है, पोजीशन, ये सारी चीज़ें वेक्टर में आती हैं। अब ये टेंसर के अंदर ये दो कंसेप्ट आए हैं, हम देखेंगे कि हमने ये चीज़ें क्यों पढ़ी हैं। देखें, स्केलर एक पॉइंट, वेक्टर दो पॉइंट्स के बारे में, दो टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ पे मिलती है। अब टेंसर एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे हमारे पास तीन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, थ्री पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ पे हमें मिलेगी हम कहेंगे कि वो टेंसर है। इट्स मीन कि जब भी आप टेंसर का वर्ड सुने
कि आप कहेंगे कि ये ऐसा टूल है या ऐसा ट्रैक है जहाँ पर आप 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा ट्रैक है जहाँ पर आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, 3D स्पेस होती है, वहाँ पे आप उसको कहेंगे कि वो जो है वो आपके पास टेंसर है। अब टेंसर में हमारे पास 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बात अभी बताई है, यहाँ पे देखें थोड़ा सा। अब 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, वेक्टर में तो होता था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, टेंसर में हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड उसका, डायरेक्शन उसकी, और उसका प्लेन क्या होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दी हुए स्ट्रेस स्ट्रेन इनर्शिया टेंसर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा 3D के बारे में बता देती हूँ कि 3D क्या है, देख लेते हैं। आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, ये आपके पास एक्स एक्सिस होता था, ये आपके पास वाई एक्सिस होता था, ये आपके पास जेड एक्सिस होता था। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक्स, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्स। ये तो मैंने 3D बनाया, इससे पहले आपको 2D का भी पता होगा। 2D आपके पास एक्स वाई प्लेन को कहते हैं, 2 डायमेंशनल होता है ये, इसको हम कहते हैं 2D स्पेस। और 1D स्पेस का भी आपको पता होगा, रियल लाइन इज द 1D स्पेस, 1 डायमेंशनल स्पेस, ये देखें ये 2 डायमेंशनल स्पेस जिसमें ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। और ये मैंने 3D बनाया जिसमें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। यहाँ पे भी बेसिकली आपके पास एक्स 3D स्पेस को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, देखें ये आपके, उन्होंने कहा कि ये इसके पास एक्स एक्सिस है, देन ये इसके पास वाई एक्सिस है, एक स्पेस बना दिया उन्होंने, और ये जो नीचे जा रही है ये आपके पास जेड एक्सिस है, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे एक्स एक्सिस को मज़ीद उन्होंने उसकी डायरेक्शंस दी हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मज़ीद डायरेक्शन उसके मोर उसकी इन्फो लेते हैं, मैग्नीट्यूड और उसका प्लेन पढ़ते हैं, तो हम तीनों चीज़ें इस एक्स एक्सिस की भी देखेंगे, वाई की भी, जेड की भी। तो एक्स में मेरे पास ये एक्स एक्स होगा, जैसे कि उन्होंने ये येलो लाइन लगाई है, देन ये एक्स वाई प्लेन होगा, ये एक्स जेड। सिमिलरली वाई एक्स प्लेन होगा, वाई वाई प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन होगा, और इस तरह से जेड एक्स, जेड वाई और जेड जेड प्लेन होगा। और उन्होंने उसकी डायरेक्शन, उसके प्लेन्स सारे बता दिए हैं। अब प्लेन क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ, प्लेन क्या होता है, प्लेन होगा जब आप एक्स एक्सिस पे चेक कर रहे होंगे, जब इट्स मीन के जब आप वाई जेड प्लेन पर होंगे, कैसे, ऐसे जब आप वाई जेड प्लेन पे होंगे उस टाइम पे आपका एक्स जीरो होगा, तो मतलब वाई जेड प्लेन इट्स मीन एक्स जीरो। जब जब आप एक्स वाई प्लेन पे होंगे इट्स मीन जेड जीरो होगा, और जब आप एक्स जेड प्लेन पे होंगे इट्स मीन के वाई जीरो होगा। यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसके अलावा टेंसर क्या हो, इससे पहले भी कुछ अच्छा, इन शॉर्ट उन्होंने सारा बता दिया। स्केलर 1 नंबर होता है वेक्टर जिसमें आपके पास इज अ क्वान्टिटी हुज स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्स 3 नंबर्स, नेमली इट्स कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू सम बेसिस। उसके कुछ बेसिस होंगे, उसको हम 3 कंपोनेंट कह सकते हैं, अदरवाइज होता है 2 डायमेंशनल स्पेस, 2D स्पेस। स्केलर एंड वेक्टर आर बोथ स्पेशल केसेस ऑफ जनरल टर्म कॉल्ड टेंसर। आप टेंसर कैन बी रिगार्डेड एज जनरल नेम ऑफ मल्टी वेरिएबल। ये नहीं कि आप, मैंने आपको कह दिया कि टेंसर जो है वो 3D है तो 3D ही होगा, टेंसर मल्टी डायमेंशनल 3 से ऊपर भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 0 वे टेंसर, 1 वे टेंसर, उन्होंने सारा बता दिया। एन डायमेंशनल क्या होता है, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे टेंसर की डेफिनेशंस हैं। इन एन एम डायमेंशनल स्पेस द टेंसर ऑफ रैंक एन इन अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज एन इंडिसेस। किसी भी एम डायमेंशनल स्पेस में जहाँ पे आपके पास 3 से ऊपर डायमेंशनल स्पेस हैं, जिस और कोई भी स्पेस जैसा कि एम डायमेंशनल और उसका रैंक एन है, रैंक मतलब कि उसकी पावर एन इंडिसेस हैं, इंडिसेस कहते हैं पावर को, उसकी पावर एन है और एम की पावर एन कंपोनेंट्स है लिखेंगे, और वो ओबे करता है एक ट्रांसफॉर्मेशन रूल को। अभी हम आगे देखेंगे कि ये रूल क्या है। आपने बेसिकली ये कंसेप्ट याद रखना है कि एम कम डायमेंशन होती है और एन उसका रैंक होता है, रैंक कह सकते हैं और इंडेसेस भी कह सकते हैं, एन इंडेसेस रखता है वो, उसको हम टेंसर कहेंगे। रैंक ऑफ टेंसर क्या होता है, अब रैंक होता है, रैंक हम कहते हैं ऑर्डर को या डिग्री को। रैंक ऑफ ए टेंसर आल्सो नोन एज ऑर्डर, रैंक को हम ऑर्डर भी कह सकते हैं या उसकी डिग्री भी कह सकते हैं, मतलब किसी बी डायमेंशन की कितनी पावर है वो आपकी क्या होगा, रैंक होगा। इज अ टोटल नंबर ऑफ फ्री इंडिसेस इन टेंसर। फॉर एग्जांपल एम है, ये आपके पास एक स्केलर टेंसर है जिसका ऊपर कोई पावर नहीं, जिसका रैंक जीरो है। देन बी अल्फा दिया हुआ वेक्टर है, ये एक इसका टेंसर का रैंक 1 है, इसका टेंसर का रैंक 1 है। देन ये आपके पास इसके सबस्क्रिप्ट में 2
डी हुई है, देन इसका टेंसर का रैंक जो है वो टू होगा। अभी हम देखेंगे सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट ये सारे क्या होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास हायर डायमेंशनल स्पेस स्टार्ट हो गया। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।